जो भी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग 8085 और यूजिंग 8086 तो वहां जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है बेसिकली वो परफॉर्म होता है टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन ठीक क्लियर वन मोर थिंग जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सपोज वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी ठीक है इफ़ वी परफॉर्म ए माइनस बी इन दिस केस इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो सी एफ विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज हमें ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस किया तो बोरो इज़ नॉट रिक्वायर्ड ठीक बट इफ ए लेस देन बी और हमने परफॉर्म किया सब्ट्रैक्शन इफ ए इज़ लेस देन बी इन दैट केस सी एफ इज इक्वल टू वन मीन्स की बोरो इज रिक्वायर्ड तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम फॉर पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर को स्टोर करेंगे तो फॉर दिस क्या होगा ऑफ मूव ठीक मूव कहाँ करेंगे सपोज हमने फर्स्ट नंबर को मूव किया इन ए एक्स फर्स्ट नंबर कहाँ था जीरो थ्री जीरो वन एच ठीक नाउ अब हमें सेकेंड नंबर मूव करना है मूव बी एक्स कॉमा जीरो थ्री जीरो थ्री एच नाउ ठीक तो ये हो गया फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर बोरो है मीन्स कि हमें एक बोरो रजिस्टर चाहिए होगा मूव सी एल कोमा जीरो जीरो ठीक नाउ मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ इफ दिस लाइन इज एग्जीक्यूट अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा हमारा जीरो थ्री जीरो वन का जो कंटेंट होगा वो मूव करेगा इन ए एल एंड जीरो थ्री जीरो टू का जो कंटेंट होगा वो मूव करेगा इन ए एच ठीक फॉर एग्जाम्पल इफ जीरो थ्री जीरो वन एच के पास डेटा था ट्वेंटी फाइव एंड जीरो थ्री जीरो टू के पास अगर डेटा था 55 तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी दिस डेटा विल मूव इन ए एच मीन्स की 55 दिस डेटा विल मूव इन ए एन मीन्स की 24 दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स ठीक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस अजूम कि जीरो थ्री जीरो थ्री पर हमारा नंबर है वन वन एंड जीरो थ्री जीरो फोर पर हमारा नंबर है फोर्टी फोर क्लियर दिस इज द नंबर तो अगर हमारी बी जीरो थ्री जीरो थ्री एग्जीक्यूट करेगी तो दिस डाटा विल मूव इन बी एंड दिस डाटा विल मूव इन बी मींस की आफ्टर दिस बी की वैल्यू क्या होगी पहले बी का कंटेंट मींस फोर्टी फोर देन बी का कंटेंट मींस वन वन तो दिस इज द वैल्यू क्लियर नाउ अब ये लाइन एग्जीक्यूट करती है सी Means कि हमारा carry register क्या होगा अब अब हमें हमें मिल मिल गया borrow register मिल गया अब हम वो operation करते हैं जो हमें करना है तो हमने लिखा ठीक कंटेंट ऑफ बी एक्स विल सब्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ ए एक्स मीन की ए एक्स से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बी एक्स के कंटेंट को एंड जो रिजल्ट आएगा उसे हम स्टोर करेंगे इन ए एक्स बिकॉज ए एक्स इज द डेस्टिनेशन रजिस्टर नाउ आफ्टर सप्ट्रैक्शन हम चेक करेंगे इज देयर एनी बोरो तो हम लिखेंगे जे एन सी ठीक है लूप वन ठीक मीन्स की इफ सी एफ इज इक्वल टू जीरो मीन्स की अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो हम रिजल्ट को सेव करेंगे सेव कहाँ करेंगे मैंशन करेंगे लूप वन रिजल्ट हमारा आफ्टर सब्ट्रैक्शन कहाँ था एक्स में तो हम लिखेंगे मूव व्हाट इज द डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू द ये जो डेटा था हमारा डेस्टिनेशन है जीरो थ्री जीरो फाइव एच तो हम डेस्टिनेशन लिखेंगे जीरो थ्री जीरो फाइव एच कहाँ से डेटा मूव करेंगे ax से ठीक मींस कि अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन al का जो भी कंटेंट था दैट विल बी मूव इन 0305h एंड ah का जो कंटेंट था दैट विल बी मूव इन 0306h क्लियर al का डेटा कहाँ जाएगा 0305 में ah का डेटा कहाँ जाएगा 0306h में नाउ अभी हम केस कर रहे हैं जब हमारी कैरी या बोरो नहीं होकर हुई ठीक तो हमारा ये रिजल्ट डिफरेंस सेव हो गया नाव अब हम बोरो को सेव करेंगे तो जब बोरो हमारी जनरेट नहीं हुई तो दिस वैल्यू विल बी सेव तो हम क्या लिखेंगे जीरो सेवन एच सी एल मीन्स की जो भी सी एल की वैल्यू थी वो कहाँ चली जाएगी वो चली जाएगी जीरो थ्री जीरो सेवन एच पर क्लियर नाउ अब केस अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है मीन्स की इफ इफ सी एफ इज इक्वल टू वन मीन्स की इफ बोरोज रिक्वायर्ड इफ बोरोड इन दैट केस क्या होगा हमें इंक्रीमेंट करना होगा किसमें सी एल की वैल्यू में तो हम क्या लिखेंगे आई एन सी सी एल ना वॉट इज द न्यू वैल्यू ऑफ सी एल सी एल इज इक्वल टू सी एल प्लस वन ना आफ्टर दैट अब हमारा जो रिजल्ट आएगा जब भी हमें बोरो की रिक्वायरमेंट होती है तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आता है तो अब हमें चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट में तो हम क्या करेंगे नॉट ए एक्स ठीक है मीन्स की जो डिफरेंस था उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स डन नाउ अगर हमें वंस टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे हम ए डी डी एड एक्स जीरो 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 वन ठीक सिक्सटीन बिट का डेटा था हमने वन एड किया तो नाउ वी गेट द टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स और यह हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा ठीक है तो हमें एक्चुअल नंबर मिल जाएगा बाकी प्रोसीजर सेम होगा तो लेट हम एग्जाम्पल चेक करते हैं फॉर दिस हमारी वैल्यूज क्या थी हमने जब यहाँ पे लिखा था एक्स स्टोर फाइव फाइव

वन वन एंड वट इज द बोरो वैल्यू बोरो की वैल्यू हमारी सेव होगी एट जीरो थ्री जीरो सेवन एच वो क्या होगी जीरो जीरो फॉर दिस डेटा दिस डेटा और ये वैल्यूज चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द डेटा इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू